मैं और हमारे सब साथी विधायकगण और पूर्व विधायकगण जिस गेट के नीचे खड़े हैं वो उत्तराखंड की विधानसभा का गेट, कोई भी उसका चित्र लेकर के देख सकता है। और इससे बाएं हाथ की तरफ पशुधन विभाग की जमीन को हमने सचिवालय के लिए लिया था और 55 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था और 7 करोड़ रुपया वेबकॉस जो भारत सरकार की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की, उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और सबॉर्डिनेट हाउसेस के लिए 500 हाउसेस के लिए इधर जो चयनित करके उसको भी किया गया था। और भराड़ी से टाउनशिप विकसित करने के लिए यहाँ भराड़ी से के इस जमीन के इस एरिया को नोटिफाई किया गया था ताकि यहाँ पर फ्यूचर की टाउनशिप विकसित की जा सके। और ये काम हमने यू हुड्डा नाम की संस्था को, एक संस्था खड़ी की थी, यू हुड्डा जो है उत्तराखंड अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको ये काम सौंपा गया था ताकि वो एरिया को डेवलप करके उसके अनुसार यहाँ पर भवन टाउनशिप बना सके ताकि राजधानी की टाउनशिप भी बन जाए। लेकिन आज लगभग 3.5 साल बीत चुके हैं। इन 3.5 साल की जो प्रगति है वो बिल्कुल शून्य है। एक ईंट भी निर्माण के नाम पर पूरे गैरसैंण में आगे नहीं लगी है। तो हमारे समय की स्वीकृत सड़कें आ रही थी, उन पर कुछ काम भले ही हो रहा हो लेकिन कोई और जो गैरसैंण को राजधानी के रूप में डेवलप करने के का प्रोजेक्ट था उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और जो संस्थाएं खड़ी की गई थी वो संस्थाएं भी खत्म हो गई, बल्कि और तो छोड़ो, एक संस्था जरूर उन्होंने जिंदा रखी है, गैरसैंण चौकुटिया विकास परिषद, और उसको भी आप दोस्त, पहले हम 2 करोड़ रुपया साल का देते थे, अब शायद 2 करोड़ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम नहीं है। इन्हें सब संस्थाएं खत्म कर, तो कोई काम उसके बाद अभी हुआ नहीं है। और मार्च के महीने में सरकार ने घोषणा की कि हम यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, विधानसभा के पटल पर आ गया, इसे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और हमने स्वागत किया, मैंने स्वागत किया, एक स्टेप बताया आगे की दिशा में, हमने कहा हम स्थायी राजधानी बना देंगे, हम इसको पूर्ण राजधानी बना लेंगे, इनको ग्रीष्मकालीन कर रहे हैं तो चलो ग्रीष्मकालीन करें। कांग्रेस ने विधानसभा में ही कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, ये विधायकगण है यहाँ पे इस बात के गवाह, इन्होंने कहा। आज 3 महीने बीत चुके हैं, तो 3 महीने के बाद जब ये जानकारी मिली कि कोई काम नहीं हुआ, सरकार मूव ही नहीं कर रही है, स्थिति यह है कि गैरसैंण में सारे बोर्ड लगे हुए हैं मगर ग्रीष्मकालीन राजधानी का बोर्ड गैरसैंण में कहीं भी नहीं लगा है, कहीं भी इंडिकेटर भी नहीं लगा, जबकि भाजपा की सरकार प्रचार तंत्र की सरकार है, करती नहीं है, प्रचार ज्यादा करती है, तो कहीं भी इनका कोई बोर्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जिस बोर्ड के नीचे खड़े होकर के हम कह सके त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी, हमारे गर्म टाइम राजधानी, गर्म टाइम की राजधानी कहीं दिखाई नहीं दे रही, मतलब
मेरा गढ़वाल कुमाऊं भाई बहनियों उसको बता दिया कांच कच्छ कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो आज हम उसी के लिए हम आए हैं और यहाँ से फिर कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह भाई जी कक्ष हमार ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन सरकार, अब तो राजधानी नहीं ग्रीष्मकालीन सरकार कक्ष ग्रीष्मकालीन सरकार दड़ी मोती कशेरे पत्नी दुबली कैसी है देखने को मन कर रहा है। कोई मंत्री आया यहाँ? कोई नहीं, नहीं आया। कोई सेक्रेटरी आया यहाँ? कोई नहीं। कोई सरकार नाम की चीज आई जिसको सरकार कहा जाए? तो फिर सरकार केवल मुख्यमंत्री की घोषणा का कागज सरकार है? ये गैरसैंण का और उत्तराखंड का अपमान है। और आज इसीलिए हमने 9 अगस्त का दिन छाटा कि यहाँ आकर के हम लोग सारे उत्तराखंड के लोग ये संकल्प ग्रहण करें कि अब हमको गैरसैंण को राजधानी बनाना है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है। एक बार आप पूछो जरा जोर से कक्ष, एक ही बार सब आवाज लगाओ ना। आप एक बार और पूछ दो सब, एक बार प्लीज। मैंने पूछ लिया एक बार। त्रिवेंद्र सिंह भाई जी सरकार, त्रिवेंद्र भाई कक्ष तुम्हारे, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारे, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारे। त्रिवेंद्र सिंह भाई जी कक्ष तुम्हारी, ऐसे जरा तुम तो कोई भी नहीं रहे हो। मदन नहीं आए? आए कोई सब जरा देखो तो एक आध आदमी टॉर्च से देखो तो कहीं है। आप धुंधा थे आज आदरणीय सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और त्रिवेंद्र सरकार पूछ रहे हैं, गढ़वाली में पूछेंगे त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष सरकार तुम्हारी सरकार, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारी ग्रीष्मकालीन सरकार, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारी ग्रीष्मकालीन सरकार, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारी ग्रीष्मकालीन सरकार, त्रिवेंद्र भाई जी कक्ष तुम्हारी